हजूर पिताजी की खुशी की खबर को लेकर साध संगत के मन में उत्सुकता रहती है कि हजूर पिताजी की खुशी की खबर हम सभी को कब को मिलेगी। साध संगत जी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी सूचना सभी साध संगत के लिए लेकर आ गए हैं। साध संगत जी, हजूर पिताजी ने सभी साध संगत को बहुत ही बड़ा तोहफा और बहुत ही बड़ा धमाकेदार सीन या कुछ भी बोल सकते हैं आप, हजूर पिताजी हमारे सदगुरु मालिक बहुत ही खुशी की खबर सभी साध संगत के बीच में मिल तो गई है, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़ा खुशी का धमाका भी होने वाला है। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, NKP चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी सुनारिया धाम में है, लेकिन सभी साध संगत की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, तो उसी के लिए हजूर पिताजी की ओर से सभी साध संगत के लिए बहुत बड़ा संदेश है। साध संगत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है और बहुत ही खुशी की खबर भी आप बोल सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को शेयर भी कर दो ताकि सभी साध संगत को इस सूचना के बारे में पता चल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस सूचना के बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं हम सबकी भी इसमें सेवा बनती है, क्योंकि साध संगत जी हम हजूर पिताजी सच्चे दाता रहबर जो कुल मालिक है और जो हमेशा समाज का भला चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं, कोई ऐसी फालतू वीडियो तो है नहीं, हमारे सदगुरु का ही गुणगान होता है। तो साध संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत को इस सूचना के बारे में शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत के पास ये पहुंच सके। जो भी यूट्यूब पर साध संगत रहती है उन पर लाइक करने से उनके पास सभी के पास पहुंच जाता है। तो साध संगत जी, इसमें हम कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर अपने हाथ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ ये ही है कि मैं तो कोशिश कर देता हूँ कि वीडियो बनाकर सभी साध संगत के बीच वीडियो पहुँच जाए। आपका भी फ़र्ज बनता है कि साध संगत के पास वीडियो पहुँचाना कोई फालतू का काम तो है नहीं, कहीं ना कहीं सदगुरु की भक्ति इबादत में ही जुड़ता है। तो साध संगत जी, चलते हैं बिना किसी देरी किए हजूर पिताजी खबर की। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी सभी साध संगत की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, तो इम्पोर्टेंट सूचना क्या है, हजूर पिताजी ने सभी साध संगत को बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दिया है, बड़े ही ध्यान से सुनना है, वीडियो को स्किप किए। हजूर पिताजी ने बोला है साध संगत जी कि कोई क्या कहता है, कोई क्यों कहता है, कैसे कहता है, इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ तीन अपने वचनों पर अमल करना है। साध संगत जी, जो हजूर पिताजी ने तीन वचन दिए हुए हैं साध संगत से लिए हुए हैं, क्योंकि हाथ फैलाकर हजूर पिताजी जब नामदान देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, तो हाथ फैलाकर उन तीन वचनों को मानते हैं, फिर मालिक कितनी बड़ी खुशियां आपको बहुत जल्द देने वाला है। बहुत जल्द बोला है, बहुत जल्द साध संगत जी, क्योंकि एक भाई ने हजूर पिताजी से ये भी बोला था कि आप 2024 के लास्ट में आओगे क्या सभी साध संगत के बीच में, तो पिताजी ने कहा था ये तो बहुत ज़्यादा समय मांग लिया, क्योंकि हजूर पिताजी ने जल्द का नाम लिया है सभी साध संगत के बीच में। हजूर पिताजी बहुत बड़ी खुशी खबर देने वाले हैं, सिर्फ तीन वचनों पर और सिमरन करना है साध संगत जी। हजूर पिताजी के वचनों में बहुत ताकत होती है, अगर आप भी मानते हैं कि हजूर पिताजी के वचनों में ताकत होती है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हाँ, हमारे सदगुरु मालिक के कोई भी वचन खाली नहीं जाते। साध संगत जी, हजूर पिताजी ने सभी साध संगत को बहुत ही बड़ी खुशी खबर दिया, और इसी के साथ मोटिवेशन स्पीच के साथ हम आपको वीडियो के लास्ट तक लेकर जाएंगे, क्योंकि हजूर पिताजी के हम एहसानों को क्यों भूल जाते हैं, ये तो गीता में भी लिखा है, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में काम आया हो। और हजूर पिताजी से हम जब बुरे वक्त में रहते हैं तो अरदास करते हैं कि पिताजी, इस बुरे वक्त से हमें निकाल दो, और जैसे ही हम उस बुरे वक्त से निकलते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं अपने सदगुरु को, तो हमें अपने सदगुरु को नहीं भूलना है साध संगत जी, और हजूर पिताजी के प्रति अपना दृढ़ विश्वास ऐसे ही बनाए रखना है। गीता में तीन बातें लिखी हुई है, एक तो बुरे वक्त में जिसने आपका साथ दिया हो, एक बुरे वक्त में जिसने आपका साथ छोड़ा हो, तो और जो तुम्हारे हंसते हुए चेहरे के पीछे की पीड़ा जानता हो, तो इन तीन लोगों को आपको कभी नहीं भूलना है। और कहीं ना कहीं हमारे हजूर पिताजी कुल मालिक सदगुरु रहबर, हमारे दाता, हमारे कृष्ण, सब कुछ हमारे सदगुरु मालिक ही है। तो साध संगत जी, आपने इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम डेरे सच्चे सौदे से संबंधित हर एक वीडियो टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो हजूर पिताजी के वचनों की जो है हम सबको बड़े ही हम तो जानते हैं, लेकिन बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि सदगुरु के वचनों को पहचान नहीं पाते, और हम तो सदगुरु के वचनों को तभी जान पाते हैं जब सदगुरु मालिक उनको पूरा कर देता है, हमसे करवा लेता है। साध संगत जी, उनके वचनों में इतनी ज़्यादा जान होती है, ये कैसे करते हैं, कैसे करवाते हैं, ये खुद ही जानते हैं, इनकी गहराई, इनकी सोच को कोई भी आम इंसान नहीं समझ सकता, फिर अवतार रूप इसी वजह से बोला जाता है। साध संगत जी, हजूर पिताजी जैसे ही सभी साध संगत के बीच में आएंगे तो बहुत ही बड़ा धमाकेदार खुशियों का तोहफा सभी साध संगत के मन ऐसे हो जाएगा जैसे एक उजड़ा हुआ बाग होता है और वो
खिल जाता है। तो सासंगा जी उजड़े हुए बाहर बाग में बाहर तो हजूर पिताजी लाएंगे और जल्द ही सभी सासंगत को परमानेंट आने की खुशी भी मिलेगी। तो जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो हम वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर भी करें। शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे ताकि सभी सासंगत को हजूर पिताजी से मोटिवेशनल वीडियो हम इस पर डालते रहते हैं और जैसे ही कोई खबर मिलेगी तो सबसे पहले हम आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसे ही कोई खबर मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा।